नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। देश और प्रदेश की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। तो खबर आजमगढ़ से है, जहां जैनपुर कोतवाली क्षेत्र के सुखम दत्त नगर गांव में गुरुवार को सुबह खेत में गए पीड़ित सुरेश को उसके पाटीदारों ने मारपीट कर घायल कर दिया। शोर मचाने पर बचाने आए उसकी पत्नी तेतरी को भी मारा पीटा। पीड़ित ने जब इसकी शिकायत जैनपुर कोतवाली पर की तो हमलावर ने पट्टीदारों में बजरंगी वाराणसी में सिपाही पद पर तैनात होने के चलते स्थानीय पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की और डांट कर भगा दिया, ऐसा आरोप लगाया गया है। आपको बता दें तो पीड़ित दंपति ने शुक्रवार को एसपी ऑफिस पहुंचकर एसपी से इस मामले में न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित के अनुसार उसके पटीदार बजरंगी पुत्र दुखंती सिपाही पद पर तैनात है। बजरंगी अभिषेक पुत्र दुखंती, आदित्य पुत्र जितेंद्र व अमृता पुत्री जितेंद्र ने पहले खेत में मारपीट की, फिर घर में घुसकर मारा पीटा। पहले भी कई बार मारपीट कर चुके हैं, लेकिन स्थानीय पुलिस से कोई भी न्याय नहीं मिल पा रहा है। ऊपर से यह कहकर भगा दिया जा रहा है कि सिपाही से मारपीट करते हो। सुनते हैं कि पीड़ित ने घटना के बारे में क्या जानकारी दी। क्या नाम है? सुरेश है। कहाँ के रहने वाले? सुखमदत्त नगर। कौन सा थाना? जीएनपुर। किस बात के लिए झगड़ा हुआ? हम शौचालय करने गए थे, वहाँ पे ये लोग आ गए और पीछे से मारने लगे। कौन लोग? बजरंगी अभिषेक और आदित और वो क्या नाम, अमृता। इसलिए आपको मारे? वो पहले से थोड़ा मोड़ा झगड़ा हुआ था, तो उसी के चलते लोग मारे हैं हमको। कैसे लोग हैं? दबंग टाइप हैं? हाँ, दबंगा टाइप हैं। वो सिपाही है सर। कहाँ पर सर? बनारस में है सर। क्या नाम है उनका? बजरंगी। छुट्टी पे आए थे? हाँ, छुट्टी पे आए थे क्या? वो बोल रहे थे कि हमारी सड़वाइन की शादी है और घर में लुक के हमारे पटदार हैं सर, और लुक के हम लोग जान भी नहीं पाए, पीछे से वार किए हम लोग छुपे छुपे से। वहाँ थाने पर गए थे? थाने पर सर गया था। तो थाने पर क्या बोले? वो बोले कोई सुनवाई नहीं हो रही, इसलिए उन्हीं के जो पक्ष में बात करें कि स्टाफ का आदमी है, सिपाही है, उससे तुम झगड़ा मार करते हो, ऐसे ही बोल रहे हैं लोग। कार्यालय पर आए हैं यहाँ भी बोले ठीक है, कार्रवाई हो जाएगी, यही बोले। क्या चाहते हैं? साहब कार्रवाई बहुत बढ़िया करे उनकी, पुलिस की नौकरी हम चाहते हैं खत्म हो जाए तो सही रहे, इतना हम लोगों को परेशान कर दिया है वो। अगला चार पांच बार मार चुका है वो। कार्रवाई कोई नहीं? हाँ, कार्रवाई आज तक सुनवाई नहीं, वो खाली बस अपना मिला लिया है अपना थाने थाने से। चाहते हैं कि आप सब न्याय हो।